पंजाब के नवाशहर में चल रहे केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से राजौरी में अपना रीजनल ऑफिस रखा गया है, जिस ऑफिस का मकसद एडमिशन फैसिलिटेशन का है। जितने भी बच्चे राजौरी व पुंछ अजला के पंजाब के नवाशहर के इस केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में जाकर कोर्सेज की तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो राजौरी में जो BGSP यूनिवर्सिटी बोर्ड है उसके नज़दीक रखे गए इस रीजनल ऑफिस में आके तमाम तरह की जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, जिसमें एडमिशन से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी है, फी स्ट्रक्चर है, इसके साथ साथ कोर्सेज के बारे में हर एक जानकारी, स्कॉलरशिप किस तरह से दिया जाएगा। इस सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से आए हुए अहदेदारान हैं। ये इनके मुताबिक इनके इस इंस्टीट्यूशन में जो कि नवाशहर पंजाब में चल रहा है, वहाँ बड़े पैमाने पर अलग अलग कोर्सेज की तालीम दी जा रही है और पहले ही बड़ी तादाद में बच्चे वहाँ ज़ेर तालीम हैं। जी सर, बताएं जो आपका ये केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, नवाशहर पंजाब कौन सी जगह पर ये इस वक्त कायम है और इस पर किस किस तरह के अलग अलग कोर्सेज दी जा रही हैं, और आपकी इंट्रोडक्शन हल्की सी आप हमारे व्यूअर्स को देते चलें। सुमित सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास यहाँ पर आए। जहाँ तक केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात है, ये केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है ये नवाशहर पंजाब में लोकेटेड है, जो कि जम्मू चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पे आता है। केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है ये IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और ये लगभग 99 से जो है वो इस्टेब्लिश है। वहाँ पर हमारे पास अलग अलग से कोर्सेज़ हैं, जैसे हमारे पास CBSE स्कूल है जो कि नर्सरी क्लास से 12th तक है, उसके बाद हमारा पास इंजीनियरिंग कोर्सेज़ है, पॉलीटेक्निक है, मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, पैरामेडिकल है हमारे पास, और होटल मैनेजमेंट है, और फार्मेसी जैसे कोर्सेज जो हैं वो हमारे पास वो चलाए जाते हैं। जहाँ तक मेरी बात रही, मैं बेसिकली मेंडर से बिलोंग करता हूँ और पिछले 8 साल से मैं केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, 2016 में मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे ज्वाइन किया था और आज की डेट में मैं केसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। जी, जिस तरह से आपने बताया कि अलग अलग तरह के कोर्सेज वहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें एडवांस कोर्सेज भी हैं और जो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ चीज़ें आई हैं, राजौरी पुंछ के जो शेड्यूल ट्राइब जुमरे के बच्चे हैं और जो दूर दराज के गरीब कुंभों के बच्चे हैं, अगर वो उस इंस्टीट्यूशन में जाकर तालीम हासिल करना चाहें, किस तरह का पूरा स्ट्रक्चर है, उसका फ़ी किस तरह की, और सबसे अहम बात के ऐसे बच्चों को जो शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या फिर अदर कैटेगरीज वाले हैं, किस तरह का स्कॉलरशिप बेनिफिट उन्हें दिया जाता है? सर, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने जो किया है अभी, खासकर जो बच्चे हमारे ST या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनके फैमिली के जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती है, जो कुछ एक फैमिलीज ऐसी होती हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए जो हमारे केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जो है वो स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम्स जो है वो SC और ST स्टूडेंट्स जो कि जिनकी फैमिली इनकम जो है वो एनुअली 2.5 लाख से कम होती है, उनको जो है वो स्कॉलरशिप में जो ट्यूशन फीस है वो पूरी वेव ऑफ की जाती है। उसमें सिर्फ जो SC ST का बच्चा है जिसकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है एनुअली, उसने जो है सिर्फ हॉस्टल की फ़ीस देनी होती है, जो कि हमारी हॉस्टल की फ़ीस 60,000 पर ईयर है पर स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट्स का मेस के चार्जेस, हॉस्टल के अकोमोडेशन के, इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर के सारे चार्जेस जो हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। अब स्कॉलरशिप की जो आपने बात की, इसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज होते हैं कि लोग बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो स्कॉलरशिप के नाम पे बच्चों को एडमिट तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब खुदा न खास्ता कोई सरकार की ओर से कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं या कॉलेज कोई अप्लाई करने में अगर कोई गलती होती है, तो फिर क्या है कि कॉलेजेस जो हैं वो बच्चों से फ़ीस मांगते हैं। तो इसमें सर हमारा एक बड़ा ही एक क्लियर कट मैसेज है हमारी मैनेजमेंट की तरफ से ही, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मैनेजमेंट का भी कि जिन्होंने बड़ा ही अच्छा ये एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। इसमें ये होता है कि सर अगर बच्चा ST और SC कैटेगरी से बिलोंग करता है और जेन्युइनली उसकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से अगर कम है एनुअली, तो उसको जो है वो सिर्फ हॉस्टल की फ़ीस जो है वो देनी होती है, क्योंकि J&K सरकार जो है वो पूरा 100% जो जैसे हॉस्टल की फ़ीस होगी या कॉलेज की ट्यूशन फीस है वो उतना बच्चों को नहीं देती है, बहुत कम फीस देती है कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स के या फिर UTF लद्दाख से। तो उसमें जो है अगर बच्चा हमें टाइमली अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ जो है उसकी कैटेगरी होनी चाहिए SC और ST से, और बच्चे की जो है वो फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, उसके बाद अगर स्कॉलरशिप
सरकार कहीं किसी वजह से रोक देती है या कॉलेज अप्लाई करने से कहीं से कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो बच्चे से कोई भी पैसे जो है वो चार्जेस नहीं किए जाते। बच्चे को एक क्लियर कट एक एडमिशन लेटर जो बनता है उसको, इस पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो स्कॉलरशिप की लिख के दी जाती है कि बच्चे का काम होता है कि हमें टाइमली डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना। उसके बाद अगर स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की कल कोई पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं या कुछ हो जाता है तो उसमें बच्चे से जो है वो कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा जो रजौरी पुंछ के बच्चे हैं, पहले कितने बच्चे उस इंस्टीट्यूशन में ज़ेर तालीम हैं या जो तालीम हासिल कर चुके हैं, और किस किस तरह के कोर्सेज जो हैं उन्हें वहाँ पे ऑफ़र किए गए और वो उन्हें अवेल किए हैं स्टडीज़ में? सुमित जी, ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब से मैंने किसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है पिछले 8 साल से, रजौरी ले लो या पुंछ डिस्ट्रिक्ट ले लो, वैसे तो J&K के हर एक डिस्ट्रिक्ट से बच्चा आता है और लद्दाख से भी हमारे पास बच्चा आता है, और ख़ासकर रजौरी और पुंछ के दो जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसकी अगर बात की जाए तो मैं बड़े ही दावे से ये कह सकता हूँ कि कोई भी गाँव ऐसा नहीं होगा जहाँ पर हमारा बच्चा KC ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से पढ़ के ना आया हो। चाहे आप कोटरंका ले लो, बुद्धल बकोरी ले लो, पुंछ मंडी ले लो, सुंदरबनी ले लो, नौशहरा ले लो, या मेंढर की दूर दराज के जो एरियाज हैं वहाँ से सारे बच्चे जो हैं हमारे पास वो पढ़ के जा चुके हैं। लगभग जो है 1000 के आसपास हमारा रजौरी पुंछ का बच्चा जो है वो यहाँ से पढ़ के आ चुका है, जिनमें उन्होंने अलग अलग कोर्सेज़ किए हैं, जिसमें इंजीनियरिंग हो गया है, BBA BCA BCom हो गया है, होटल मैनेजमेंट हो गया है, फार्मेसी हो गया है, या पॉलीटेक्निक हो गया है, बहुत सारे कोर्सेज में जो हैं वो हर एक गांव से लगभग जो है वो बच्चा वहां से पढ़ के आ चुका है। ये जो आपका रीजनल ऑफिस है जो कि एडमिशन फैसिलिटेशन ऑफिस है, किसी को भी अगर अपने बच्चे की एडमिशन किसी ग्रुप में करवानी है तो यहाँ से उन्हें हर तरह की जानकारी मिलेगी, इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बता दें ये कहाँ पर है, क्या टाइमिंग है इसकी और कैसे लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं? सर, जहाँ तक एडमिशन ऑफिस की बात है, हमारा यहाँ से 2016-17 से ही हमारा ऑफिस चल रहा था, पर जैसे COVID-19 में 2-3 साल के लिए हमारा बीच में ऑफिस जो है बंद हो गया था, और इस साल फिर से हमने ये रीओपन किया है जो कि यूनिवर्सिटी मोड के साथ में ही हमारा जो रीजनल ऑफिस है पूरी तरीके से बच्चों की जो है वो हमारे जो भी कोर्सेज हैं उसमें काउंसलिंग भी सारी यहाँ की जाती है, चाहे बच्चों के पेरेंट्स आके हमसे अलग अलग से मिलते हैं, उनको सारे कोर्सेज की डिटेल बताई जाती है, फ़ीस स्ट्रक्चर बताया जाता है, और यहाँ पे ही ऑन द स्पॉट बच्चों की जो है एडमिशन्स होके सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर हो जाती है, और बच्चों को सिर्फ जो है कॉलेज में क्लासेस लगाने के लिए जब क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा यूनिवर्सिटी की ओर से, हम बच्चों को वो डेट बता देंगे और बच्चों को हम साथ में लेके यहाँ से अपने इंस्टीट्यूशन में लेके जाएंगे। और जहाँ तक मेरा पर्सनली सवाल है, मैं खुद उसी इंस्टीट्यूशन में रहता हूँ 24/7, मेरी अकोमोडेशन भी वहीं हॉस्टल के अंदर है जहाँ पर ये हमारे बच्चे रहेंगे, और इसमें सेपरेट हॉस्टल है बॉयज़ के लिए अलग से है, गर्ल्स के लिए अलग से है, जो कि 24/7 पूरी तरीके से सिक्योरिटी के अंडर होता है। जब भी कोई बच्चा अगर मान लो कैंपस से बाहर जाता है तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपका ये बच्चा इतने टाइम के लिए बाहर जाना चाहता है, आप बताइए कि हम आपके बच्चे को यहाँ से भेजें कि ना भेजें। जब बच्चा हॉस्टल से बाहर जाएगा तो वो अपना एक गेट पास लेके जाता है, और जब दोबारा वापस आएगा वो इंट्री करा के आता है कि प्रॉपर तरीके से, ताकि बच्चों की पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल भी रखा जाता है, और उसके साथ साथ में बच्चों को जो है वो बहुत बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है कि जहाँ पर बच्चा अपना प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ साथ अपना प्रैक्टिकल वगैरह का एक्सपोजर भी ले ले। फिर उसके बाद जो बच्चा जब जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाता है, डिफरेंट कंपनीज के साथ हमारा टाइप्स होते हैं जहाँ पे बच्चे को जो है वो ऑन द स्पॉट जो वो प्लेसमेंट भी मिलती है वहाँ पे। क्या अपील करना चाहेंगे आप रजौरी पुंछ के लोगों से? रजौरी पुंछ के लोगों से मेरी सबसे बड़ी यही अपील रहेगी कि दूर दूर जगह पर जाके आप लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाके, यहाँ से कोई पंजाब जाएगा, कोई चंडीगढ़ जाएगा, कोई हिमाचल जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, वहाँ पे आप जाके कॉलेजेस देखोगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, कल वो बंदा कहीं आपको आज किसी इंस्टीट्यूशन में है, कल परसों किसी में होगा, उसके बाद जो है उनकी जॉब से वो कहीं पे होंगी। तो मेरा जो अपना पर्सनली कहना है कि मैं 8 साल से अगर इस इंस्टीट्यूशन में हूँ, मैं कल खुदा ना खास्ता अगर कल वहाँ पे कॉलेज में ही मिलूंगा, अगर खुदा ना खास्ता मेरी भी अगर कहीं से मैं जॉब लेफ्ट कर देता हूँ या कुछ भी होता है, तो मैं आपको रजौरी पुंछ में ही मिलूंगा कि आपके साथ यहाँ से आपको आपके बच्चों को या आपको साथ में लेके मैं वहाँ पे जा भी सकता हूँ, आ भी सकता हूँ। और जो खासकर SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनको के फाइनेंशियल कंडीशंस या इतने एक्सपोजर्स नहीं मिलते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप लोग यहाँ पर हमारे ऑफिस में आइए। हमारा ऑफिस जो है वो यूनिवर्सिटी मोड में है, जो कि सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक
डेली जो है वो खुला रहता है। बाकी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो है वो 24/7 आपके पास होंगे, आप कभी भी जो है हमारे साथ जो है रब्ता कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे मिल सकते हैं। शुक्रिया। तो ये मेरे साथ केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से रजौरी में खोले गए रीजनल ऑफिस में बैठे हुए अहदेदारान थे। इनने बताया कि नवीशहर पंजाब में इनकी तरफ से जो इंस्टीट्यूशन चलाया जा रहा है, यहाँ हर तरह के जो बेसिक से लेकर एडवांस एजुकेशन कोर्सेज हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन की हो या फिर प्रोफेशनल या टेक्निकल एजुकेशन के, वो वहाँ ऑफर किए जाते हैं। और रजौरी और पुंछ से एक बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो वहाँ ज़ेर तालीम है, और काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे वहाँ से पहले ही अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। और इनका यही मुतालबा है रजौरी और पुंछ की आवाम से कि वो जब भी जम्मू कश्मीर के बाहर अपने बच्चों को अलग अलग तरह के कोर्सेज के लिए भेजना चाहते हैं और अलग अलग तरह के कोर्सेज की तालीम दिलवाना चाहते हैं तो वो इनसे रब्ता करें। रजौरी यूनिवर्सिटी मोड़ के नज़दीक इनका ऑफिस भी है, हम अपने कैप्शन में इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी लिख रहे हैं, आप उनसे रब्ता करके एडमिशन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।